आईसीडीएस बिहार की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये खबर है कि अब आंगनबाड़ी केंद्र जरूरतमंदों के यहाँ चलेंगे, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र की जहाँ जरूरत होगी वहाँ अब संचालित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। आईसीडीएस बिहार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, बहुत बड़ा निर्णय है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र को चलाया जाए, यानी कि अब मनमानी खत्म। अगर आपके पोषक क्षेत्र में बच्चे नहीं हैं लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र हैं तो उसका सत्यापन करके हटा दिया जाएगा, जहाँ पे ज़रूरत है बच्चे को वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र लिया जाएगा, ले जाया जाएगा। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि अगर आप सोच रही होंगी, सेविकाएँ सोच रही होंगी कि मेरी नौकरी तो बिल्कुल नहीं, आपकी नौकरी को कुछ नहीं होने वाला है, आपका केंद्र शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार आप आंगनबाड़ी केंद्र आप चलाएंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं पत्र में आगे। उससे पहले एक अनुरोध है कि कृपया चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए पत्र में आगे बढ़ते हैं। पत्र संख्या है 4511 और आज ही जारी किया गया है 6/9/2022 को। ये पत्र जो जारी किया गया है निदेशक महोदय द्वारा जारी किया गया, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जारी किया गया। कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकता अनुसार जरूरतमंद क्षेत्रों में शिफ्ट करने के संबंध में, यानी कि अब आंगनबाड़ी केंद्र जो चलेंगे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे चलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र तो रहेंगे लेकिन ज़रूरतमंदों के पास रहेंगे, ज़रूरतमंद है वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है। तो पत्र में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देश, यानी ये जो लगभग एक सप्ताह पहले मंत्री जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि ऐसा किया जाए, प्राप्त निर्देश, तो उनके द्वारा निर्देश दिया, निर्देश के आलोक में जिन शहरी क्षेत्रों में केंद्रों की आवश्यकता नहीं है एक अभियान चलाकर भौतिक सत्यापन करा लिया जाए और ज़रूरतमंद क्षेत्रों में इन्हें नियमानुसार शिफ्ट करने की कार्रवाई किया जाए। यानी कि शहरी क्षेत्र के जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं और वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, तो उस आंगनबाड़ी केंद्र को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कृत कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर निदेशालय के ईमेल आईडी इतना पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। एक बात राहत की है ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कि उनके लिए ये निर्देश अभी तत्काल नहीं आया है और ये अभी सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई करें। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।